इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी दबाएं सबसे पहले वीडियो पाने के लिए, और हमें और ज़्यादा वीडियो बनाने का उत्साह मिलेगा, इस लाइक को भी दबाएं हमारी वीडियो अच्छी लगे तो। दोस्तों, मैं पंकज दवानिया, आज आर्मेचर है, इसे वाइंडिंग करेंगे। और ये देखें, ये डबल तार से है और इसको वाइंडिंग करके कितने टर्न डालेंगे, कितना गेज है, ये आपको दिखाएंगे। तो ये देखें, ये डबल तार है। तो ये देखें, जो छोटी कोयल है उसमें 23 टर्न है और जो बड़ी कोयल है उसमें 25 है। तो देख सकते हैं, बीच में इसमें ये फील्ड मार्शल का है, तो इसमें बीच में कोई सी भी वो खाली नहीं है, तो इसमें कोयल वहीं की वहीं डलेगी, क्योंकि पिच बीच में कहाँ से कहाँ, तो इसमें 1 से 2, ठीक है ना, और 1 से 4 इस तरीके से पिच हो गई। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम बांध रहे हैं। तो ये देखिए, हमारी कोयल पूरी हो गई है। अब हम दूसरी कोयल चालू करते हैं। कितने दोस्त हमारे बोलते हैं कि इसे कनेक्शन बताएं, तो इसके कनेक्शन जो भी हैं सीधा सीधे में लगेगा, उल्टा उल्टे में लगेगा, जैसे लेफ्ट राइट बताते हैं उस तरीके से, ठीक है ना। लेफ्ट राइट में और राइट राइट में इसके कनेक्शन होंगे, और जो आपको कनेक्शन नहीं करने और उसी तरीके से सीधे रखने, तो आपको एक कोयल उल्टी और एक कोयल सीधी, मतलब जो आमने सामने है उन्हें एक जैसी घेरनी होगी, और जो आमने इधर आमने सामने है वो जोन सी, तो आपको आमने सामने की एक तरफ उल्टी करनी होगी, एक तरफ सीधी करनी होगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा, एक तरफ इस तरफ बंधी हुई है तो जो दूसरी तरफ बंधेगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। इसमें यही होता है आर्मेचर में, एक तरफ इधर को बंध रही है तो दूसरी तरफ घूमेगी। तो कुछ इस तरीके से आपको आर्मेचर बांधना है, क्योंकि फिर उसमें कनेक्शन करने की जरूरत नहीं होती है। और जो आप कनेक्शन काटते हो तो आपको लेफ्ट का लेफ्ट में लगाना है, राइट का राइट में लगाना है। तो कोयल का लेफ्ट राइट होगा उसी में ही आपको लगाना है। तो ये देखें, आर्मेचर पूरा वाइंडिंग हो चुका है। अब हमारा इसमें फन्नी का काम रह गया है, इसको हम शॉर्टिंग वोटिंग चेक कर लेते हैं,
कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, कोई पेपर वेपर कहीं दबा तो नहीं है तार, तो ये चीज़ आपको चेक कर लेनी है। तो ये देखें ये बन चुका है, अब हम इसको चेक करने के बाद फर्नी ठोकेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कनेक्शन कुछ इस तरीके से हो रहे हैं। इसका पिच का मैं डायग्राम पे समझा दूंगा आपको किस तरीके से इसके कनेक्शन हुए हैं। ये जो हम कोयल बनाते चलाते हैं किस तरीके से होते हैं वो आप कमेंट करें, तो हम उस पर एक डायग्राम बना के आपको समझा देंगे कि उसी तरीके से कनेक्शन हुए हैं, तो आपका वाइंडिंग सही करिए आपने, ठीक है ना। तो आपको तार छील लेना है, ये इसका जो सा ये वार्निश है उतार लेनी है। उसके बाद आप बत्ती से चेक कर सकते हैं या मीटर से किसी भी चीज़ से चेक कर सकते हैं। देखें हमारे कंटिन्यूटी सही बोल रही है और बॉडी से भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रही है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि बॉडी से शॉर्टिंग ना दिखाए, ठीक है जी। हमने इसमें जो पेपर लगाया है वो डबल लगाया है, नीचे ऊपर सिंगल है, ऊपर सिंगल में पेपर आ गया वाइट पेपर और फन्नी आएगी, तो ये भी डबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आप इसे वाइंडिंग कर सकते हो। ये देखें हमारी बॉडी से नहीं बोल ली, और ये देखें तार से तार बोल ली है, सिंगल सिंगल बोल ली है, ठीक है जी। तो अब ये देखें हमारा ये बन चुका है, हमने इस पर कॉटन टेप इस सेट कर दी है। तो ये देखें देखिए कुछ इस तरीके से कॉटन टेप हो गई है, और सो फन्नी में हमने ठोक दी है। फन्नी तो आपको आती होगी ठोकनी, इसलिए ज़्यादा बारीकी और जल्दी काम होता है तो नहीं दिखा पाते। फन्नी की आगे से आप रेती से थोड़ी सी चोंच बना ले जिससे कि नहीं अड़े कहीं भी, हल्के से कोने मार ले, फिर इसके बाद ठोक सकते हो आराम से आप, ठीक है जी। अब इस तरफ हम कॉटन टेप करते हैं अच्छी तरीके से बांध के टाइट तरीके से, ठोक ठोक के हम इसकी कॉटन टेप इस पर बांध देंगे जिससे कि हमारी फील्ड इधर उधर ना भागे। हमने स्लिप लगा दी पहले दोनों तारों में, और उसके बाद अब कॉटन टेप कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, अब ये कॉटन टेप दोनों तरफ की हो चुकी है, और इसके तार भी हमने इसमें लगा दी स्ट्रिपलिंग में। अब हम इसको मीटर से एक बार चेक कर लेते हैं, कोई हमारी कोई तार तो नहीं हाथ से आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, ठीक है जी। तो अब ये देखें ये हमने चेक करे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आप
स्टेप बाई स्टेप चेक कर सकते हो और कोई दिक्कत होती है तो उसका सलूशन निकाल सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि उससे पहले सही थी और उसके बाद क्या हुई है ऐसे जो दिक्कत आ गई। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए। और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि किस किस तरीके की आप वीडियो चाहते हैं, तो उसमें हम अच्छी तरीके से वो चीज़ समझाएंगे। तो देखिए हमने शॉटिंग वोटिंग सब चेक कर ली, आप भी इसी तरीके से आर्मी से वाइंड कर सकते हो। तो इसका ये देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका मैं डाटा डाल दूँगा क्या टर्न है और क्या पिच है और क्या गेज है। ठीक है जी, वीडियो देख लीजिए, धन्यवाद।